नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। आप देख रहे प्रहार टाइम्स। मुंबई महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 433 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। शहर में कल 103 नए मामले सामने आए हैं और 8 संक्रमितों की जान गई है। इसके साथ ही शहर में कुल मौतों का आंकड़ा 30 के पार हो गया है। इधर एमपी की राजधानी भोपाल में शनिवार को 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें 3 डॉक्टर भी हैं। कोरोना पॉजिटिव की संख्या वहां भी बढ़ती ही जा रही है। सभी को एम्स में भर्ती कराया गया है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में तबलीगी जमात का जो मामला सामने आया, आने के बाद संक्रमण के मामले की रफ्तार दुगनी हो गई है। और इस बीच हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने वाले हैं। लोग बहाने करके सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण मुंबई पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ के आदेश अनुसार 2-व्हीलर 3-व्हीलर 4-व्हीलर को पहले जब्त किया जा रहा है। लगभग सैकड़ों बाइक कार रिक्शा जब्त कर लिया है और उन पर कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है। और यही नहीं बल्कि गाड़ियों की टायर की हवा तक निकाल दिया जा रहा है। पुलिस सख्ती में है, सख्त कदम उठा रही है। आपसे प्रहार टाइम्स की तरफ से गुजारिश है कि कृपया करके आप बाइक रिक्शा कार लेकर सड़कों पर न घूमें। हम आपको सुनाते हैं पीआई वलतकर ने नाकाबंदी के दौरान क्या कुछ कहा है। पूरा मुंबई सिटी लॉकडाउन किया गया है। ऑल इंडिया लॉकडाउन हुआ है। सब लोगों को हम मुंबई पुलिस की तरफ से मुंबई पुलिस के एरिया में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप घर पे रहो, मोटरसाइकिल 3-व्हीलर और 4-व्हीलर लेकर मत निकलो। ऐसा बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी लोग निकलते हैं, इसलिए आज स्ट्रिक्टली मोटरसाइकिल 3-व्हीलर और 4-व्हीलर पर एक्शन चल रही है। जो गाड़ी चलाते हैं उसके ऊपर केस रजिस्टर चल रहा है और गाड़ी जब्त किया जा रहा है। वैसा जैसे जो लोग निकलेंगे बिना कारण, जिसका काम नहीं है वो बाहर निकलेंगे, उसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा। अभी देखा गया कि आप जो है हवे भी निकलवा रहे थे, मतलब अब तक कितने ऐसे मतलब गाड़ियों पे 4-व्हीलर 2-व्हीलर पे जो है मतलब हवा निकाल चुके हैं, उन पे एक्शन लिया? गाड़ी का हवा भी निकल रहा है उनके ऊपर, 188 का APC 188 केस लेकर ताबे में भी लिए हैं। ऐसा सब जगह कार्रवाई जोर से चल रही है कि जिस वजह से लोग घर में रहेंगे और कोरोना वायरस से बचेंगे। पिछले 2 दिन पहले जो है आह्वान किए थे आप लोगों ने कि कोई गाड़ी बाहर नहीं लेकर निकले, लेकिन क्या वो आह्वान के बाद भी मतलब निकल रहे हैं लोग? कुछ लोग ऐसे हैं कि पुलिस से बार बार आह्वान करने से, रिक्वेस्ट करने से ही 2-व्हीलर 3-व्हीलर 4-व्हीलर का निकलते हैं, इसके वजह से स्ट्रिक्टली एक्शन चलता है। तो आपने सुना, कोरोना वायरस महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा और कोरोना से जंग लड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह सख्ती में आई है। आपको भी पता है अभी तक कोरोना को मारने के लिए कोई औपचारिक तौर पर दवाई नहीं आई है, लेकिन उसके बाद भी देश की जनता किसी न किसी बहाने से सड़कों पर दिखाई ही दे रही है। हम आपको ले चलते हैं मुंबई के अमृत नगर गुलाब पार्क, जहां पर पुलिस प्रशासन कैसे सख्ती में आकर कानून का पालन न करने वालों पर अपना रिएक्शन दिखा रही है। देखिए, 2 दिन पहले मुंबई शहर में पुलिस के जरिए व पत्रकारों के जरिए आह्वान किया गया था, सड़कों पर 2-व्हीलर 4-व्हीलर नहीं दिखेंगे, अगर कोई लेकर आता है सड़कों पर तो वो जब्त कर लिया जाएगा। पुलिस ने चेतावनी दी थी, उसके बाद भी लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर मुंबई पुलिस काफी सख्ती में आई है। मुंबई पुलिस 2-व्हीलर 3-व्हीलर के जो भी वाहन हैं उनको पहले तो साइड में कराती है और उसके बाद उनकी हवा निकालती है, फिर वो गाड़ी भी जब्त कर लेती है और फिलहाल मामला उन पर जो है जो कानूनी कार्रवाई है उस पर कार्रवाई भी कर रही है। इसके साथ ही देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 3,798 के पार हो गई है। शनिवार को सबसे ज़्यादा 566 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 145 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह आंकड़े COVID-19 इंडिया ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट के मुताबिक है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कुल संक्रमितों की संख्या 3,374 हो गई है। इनमें से 213 ठीक हो चुके हैं, जबकि 83 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसलिए आपको सतर्क करने की ज़रूरत है ताकि इस महामारी से निपट सके। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।